बाबा ये क्या है? ये हमारा बिस्तर है। अच्छा, रात सोते हैं? हाँ, रात्रि में ही विश्राम करते हैं। अच्छा। और सबको देखते हैं जो एक घर रोज जानवर है, भैंसा वगैरह भोजपुरी में हम लोग कहते हैं, सांड करते हैं, अनेरिया जानवर जिसको हम लोग घोज कहते हैं, उससे देखने के लिए, रोकने के लिए कि मेरा साग सब्जी या कोई चीज़ नुकसान ना हो, इसी बचावा के लेकर हम रात्रि में भी और दिन में यहीं रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे तालाब। अब तालाब के अगल बगल के हिस्सों में जो मेड़ है उसका, उस पर भी बाबा ने क्या क्या लगाया है, पूरा जानकारी लेते हैं। तो बाबा थोड़ा सा बताइएगा कि ये तो तालाब हो गया, तालाब का जो ये स्पेस है इस पर भी आप कुछ ना कुछ लगा रखे हैं, ये सब आपको इनकम का स्रोत है, तो ये क्या क्या है थोड़ा सा बताइएगा? इसका नाम है लहसुन। लहसुन है? लहसुन। तो गाइस, ये लगाया है इन्होंने उसके मेड़ पे लहसुन, और आगे क्या है ये? और उसके बाद लगाए ये सब केला। केला, केला है, ठीक, जो हरा पका हुआ केला, हरा हरा दिखाई पड़ता है, वही केला है। केला है, ठीक है। और आप आम भी बोल रहे थे? हाँ, आम का गाछी भी है यहाँ भी है और उधर भी है। आम लगा है यहाँ भी है और उस तरफ भी आम लगा हुआ है। आगे शीशम का जो पेड़ लग रहा है वो भी, वो क्या है? वो शीशम है जो अथी में रोग लग जाता है और पेड़ सूख रहा है। अच्छा। तो उसको काट कर हटा करके उस पर भी साग सब्जी का ही खेती होगा, उसके ऊपर भी साग सब्जी लगाया जाएगा। तो गाइस, चलिए यहाँ से चलते हैं आगे की और क्या क्या है, किस तरह से इन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया हुआ है सारे बिजनेस को। और एक तालाब के साथ साथ किनारे में लहसुन लगा हुआ है, इधर आम लगा हुआ है, केले, पपीते, शीशम लगा हुआ है। शीशम काफी पुराना हो गया, वो कटेगा आगे, फिर उसके अंदर फिर वही मेड़ के ऊपर भी मतलब दूसरी खेती, तो साग सब्जी लगाया जाएगा। और चलिए और आगे देखते हैं और क्या क्या है। चलिए और देखिए, आगे चल करके दिखाते हैं आपको, पपीता का बड़ा हुआ पेड़ है। हाँ। और अथी का केला का बड़ा हुआ है, उसके बाद में अथी लगाए हैं भंटा का खेती, भंटा साग सब्जी है। अच्छा बाबा, ये क्या लगा हुआ है? ये जो है बरसीम घास है। अच्छा। पशु को हम खिलाएंगे, दुधारू पशु को जी, तो इसमें 18% विटामिन है। 18% विटामिन जी, अथी में खली में है 10-12% विटामिन। हाँ। लेकिन इस हरा चारा में 18% विटामिन है, जो 1 किलो पशु दूध देती है, अगर इसको हम खिलाएंगे तो 1.5 किलो करेगी। अच्छा, तो ये बरसीम लगाए हुए हैं? बरसीम घास। तो ये कितने कितने एरिया में लगाए हुए बरसीम? एक एकड़ में बरसीम लगा हुआ है। तो ये क्या है? ये सड़ा हुआ गोबर है पशु का। अच्छा। जिसमें फसल में दिया जाता है। अच्छा। अगर इस सड़ा हुआ गोबर को हम देंगे तो जहाँ 2 रुपया मेरा आय होगा, वो 5 रुपया आय हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो इस गोबर का उसमें उपयोग किया जाता है? हाँ, उस गोबर का, अगर गोबर का उपयोग नहीं होगा तो साग सब्जी, लहसुन प्याज जो भी हो, सब गहूँ। हाँ। धान नहीं हो पाएगा। अच्छा। इसलिए केवल फर्टिलाइजर पर निर्भर हो करके हम अगर खेती करेंगे तो हम पार नहीं पाएंगे, कोई लाभ नहीं होना ही, नुकसान होना ही है, जिससे किसान भाग रहे हैं। हाँ। और भागेंगे। अच्छा। तो इसीलिए पशु भी रखना जरूर है, जो प्रतिदिन उससे दूध मिलता है और उस दूध को हम हमारे दरवाजे पर ही बिक जाता है। 40 रुपये किलो गाय का दूध बिकता है और 50 रुपया भैंस का दूध बेचता है, तो 25-30 लीटर प्रतिदिन हम दूध भी बेचते हैं, जिससे हमारा आय हो जाता है, तो बगली में पैसा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये कितना इनकम दे देता है आप? एक जो केला है, एक पेड़ जो है केला का है ना, 400 से 500 में बिक जाता है। 400 से 500 रुपये एक केला दे देता है। तो तकरीबन इससे कितना सालाना आप कमा लेते हैं? इससे सालाना हम लोग कमा लेते हैं 2-4-5 हज़ार रुपया का हो जाता है, इसलिए कि केला कम ना है। अच्छा। तो अब इसको बड़े पैमाने पर लगते हैं, चलिए आपको उधर दिखाएंगे। हाँ। ये क्या चीज़ है जो ये लगा हुआ है? ये जो है वर्षा नापी है। हाँ। स्वचलित वर्षा मापी का एथी है, केंद्र है। अच्छा। और यहाँ पर वर्षा होगी। हाँ। तो सरकार के यहाँ जाएगा। हाँ। अगर अधिक वर्षा हुआ जिससे फसल नुकसान होगा। हाँ। तो इसके लिए कोई जांच करने की कोई जरूरत नहीं, यही बता देगा कि कितना मिलीलीटर बारिश हुआ। अच्छा। जिसके चलते किसानों का फसल नुकसान हुआ। हुँ। तो भरपाई करने के लिए कृषि विभाग हो या बिहार सरकार हो या भारत सरकार, किसान को अनुदान देती है। किसान को अनुदान देने के लिए लगाया कि अगर ज़्यादा बारिश हो गया, जो भी होगा सिस्टम से दिख जाएगा उसका कितना नुकसान हुआ या क्या हुआ। हाँ, जो परसेंट नुकसान होगा ना, उतना परसेंट सरकार देगी। सरकार देगी। आपका जो ये मछली पालन आपने शुरू किया था, तो इसके अंदर सब सरकार का भी कोई अनुदान था क्या? हाँ हाँ, 100% अनुदान था। अच्छा। 100% सरकार के ही पैसे पर। हाँ। तालाब खुनाया।
अच्छा, लोग जो है युवा बोलते हैं कि रोजगार नहीं है देश में, बेरोजगारी है, समस्या है, सरकार ठीक नहीं है, ये सरकार के बाद अगली सरकार आएगी वो ठीक होगी, चाहे इससे पहली सरकार ठीक थी। आपका क्या ओपिनियन है, सरकार बदली करना चाहिए हमको या अपने आप को बदली करना चाहिए? नहीं, सरकार बदलने से नहीं होता है। नीति और नियम, हाँ, नीति नियम अपना बदल जाएगा तो सरकार, हम खुशी हो जाएंगे। सरकार बदलेगी, हम नहीं बदलेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक बहुत ही खास बात मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल नीति और नियम अपने आप का ठीक रखना पड़ेगा। सरकार चाहे कोई आए, सरकार कितनी भी बदली हो जाए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ्टी के लिए लोग ये बोलते हैं कि सरकार हमें ये सुविधा नहीं दे रही है, सरकार हमें ये नहीं दे रही है, इस वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं, सरकार बेरोजगारी है तो सरकार जवाबदार, किसान हैं आप खेती नहीं कर पा रहे हैं तो आप जवाबदार, सारा सिस्टम मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके लिए भी सरकार जवाबदार है कि अगर पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, आपका बरसात ज़्यादा हो जाता है उसके लिए मुआवजा, इन्होंने तालाब खुदवाया है उसके लिए 100% सब्सिडी के साथ इनका तालाब खुदा है। आपको सोचना होगा आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, अपने आप को बदलिए, सरकार को मत बदलिए। सरकार चाहे कोई भी होगी, अपने आप को जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। 79 ईयर्स के मैं इनको युवा उद्यमी इसलिए बोलूँगा कि आपको मैंने सारा कुछ दिखाया है, यहाँ पे पपीते की खेती, हरा गोभी की खेती, आलू की खेती, बरसीम लगा हुआ है, लहसुन का लगा हुआ है, केला लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, और उसके बाद जानवरों का भी यहाँ पे काम शुरू कर दिया इन्होंने कि अब 14 तारीख को जानवर यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे, उसका सारा सामान, सारा सिस्टम, सरसों, चारा, सब कुछ इनके पास है। अपने आप को बदलिए दोस्तों, जिस दिन अपने आप को बदल जाए देंगे, जिस दिन आपकी परिस्थिति बदलना चाहते हैं तो मनस्थिति को बदलिए, जिस दिन आपकी मनस्थिति बदल जाएगी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। तो गाइस इससे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिलेंगे अगले वीडियो में। और मिलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल वाली घंटी बजा के लोगों तक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।